والفضيلة وبعث مقام محمود للذي أعطاه طريق الله رب الإسلام دين الله محمد النبي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثناء رب کائنات کے واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حمد و ثناء دے بعد اللہ رب کائنات نے ہی تمام کائنات وچ اور پھر انبیاء وچوں اور پھر ملائکہ اور انسان سب تو اعلیٰ سب تو افضل سب تو برتر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائس اور تمام امتاں جڑا ای زمین تے آدم علیہ السلام دی اولاد چوں آئن انہیں سب امتیں وچوں افضل امت سب تو بہتر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے اور پھر امت محمدیہ وچوں پہلا طبقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں دا اعلیٰ ترین مقام ہے سب تو زیادہ اور اے بات میں صرف ایویں نہیں آخری ہاں بلکہ ان کی بنیاد قرآن مقدس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مقدس ہے اور صحابہ کرام دے اقوال اور فرامین مقدس ہے قرآن مقدس اجماعی مجموعی طور پہ ارشاد فرمائیں دے یہ آیت مکرمہ ہے جو میں تمہارے سامنے تلاوت کیتی ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سب تو پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار السابقون الاولون سب تو پہلے سب تو اگے آمن والے سابقون امنا اگے آمن والے اولون پہلے من المہاجرین والانصار اے بیان ہوں گا کہ کون السابقون اولون ہیں انصار اور مہاجرین دو طبقے تریجہ والذین اتبعوہم بے احسان جیڑے لوگ اچھے کمیج نیکی دے کمیج انہیں دے تابعدار ہیں انہیں دے پیچھو آئیں
क़यामत तक। मुहाजरीन और अंसार दे बाद आवन वाले सहाबे किराम और उन्हें दे बाद आवन वाली पूरी उम्मत जेड़े उन्हें सहाबे किराम दी इत्तबा करे सन बे एहसान अच्छे कमे च नेकी दे कमे च इन्हें दे वास्ते दो खुशखबरियां बल्कि त्रै। एक खुशखबरी रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम इन्हें सारे दोते अल्लाह भी राजी और ये सारे अल्लाह दोते राजी रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। दूजी खुशखबरी अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन अल्लाह ने इन्हें दे वास्ते बागात तैयार किए बहिश्तां तैयार किए तजरी तहतहल अनहार उन्हें तले नहरा चल दें और हमेशा वास्ते उन्हें को मिल खालदीन फीहा आबादा आबादुल आबाद तक वास्ते उन्हें चेरा से ये अल महाजरीन भी अंसार भी और इन्हें अंसार महाजरीन के बाद आने वाले सहाबे के नाम और उन्हें दे बाद क़यामत तक आने वाले जेड़े उन्हें दी इत्तबा करे से उन्हें दे तल उन्हें दी जिंदगी दे मुताबिक जिंदगी बने से उन्हें दे वास्ते बागात हमेशा वास्ते। और फिर बड़ी खुशखबरी ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी इन्हें को नसीब थी गई। इन तबकात थोड़े जे वक्त असें सोचूं असा कहे तबके असाबिकून अबिल मिनल मुहाजरीन तो कह से यकीन मिनल अंसार ही नहीं फतेह मक्का दे बाद जड़े उन्ने दे मुतबे हैं उन्ने दे पिछों आने वाले उन्हें चु नहीं ता कम से कम क़यामत तक आने वाले जो हिने भी इत्तबा करे से इन्हें दे नाल रास है उन्ने दे विचों सब कुछ ही होना चाहिए। अगर उन्ने जो ऐसा खारिज थी गई उसे तो अल्लाह की कोई खुशखबरी कह नहीं अल्लाह की तरफों कोई वादा कोई नहीं साढ़े वास्ते। ए अजीम मकाम अल्लाह रब्बे कायनात ने अव्वलीन तबके को इरशाद फरमाए इसकी बुनियादी वजह क्या है। अल्लाह ने इंसान जबकि गुमराह थे चुके हैं पूरी ज़मीन ते इंसान अल्लाह दी बगावत और नाफरमानी कर रहे हैं अंसा यहूद और नसारा जिन्हें दे जिम्मे इंसानियत दी रहनुमाई और फलाह व बहबूद है वो अपना मकाम ख़त्म कर चुके हैं वो ई काबिली कहना हैं कि दुनिया की इसलाह कर सकें आप गुमराह ही चुके हैं। ज़रूरत है ऐसे लोग तैयार करन दी जो पूरे इंसान जो ज़मीन के आबाद हैं उन्हें भी रहनुमाई करें और अल्लाह रब्बे कायनात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते ये रहनुमाई की थी और आप दी मईयत आप दी दोस्ती उन्हें पाक बाजे को अल्लाह रब्बे करीम ने इख्तियार फरमाए इंतखाब फरमाए चुने जो ईदे डा दे हन जेड़े ये कम कर सकते हैं। रब्बे कायनात खुद फरमे दिन कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास सहाबे किराम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पहले मुखातबीन तो हकूं खुशखबरी होवे कुन तुम खैरा उम्मतिन तुसा जितनी उम्मत दुनिया चाहे सब कनु बेहतर हो किस बुनियाद ते तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह तुसा अल्लाह को मन्ने और अल्लाह को मनन दे बाद अच्छाई दा हुक्म कर रहे हो इंसान वास्ते और बुराई कनु रोक रहे हो इन वास्ते तुसा सब तो बेहतर उम्मत हो। उखरे जत लिन्नास तो आपको आंद आ गए कि तुम मालूम चाह कहीं आनन वाले ने निको आने वो आने वाले कौन हैं अल्लाह रब्बे कायनात। उखरे जत लिन्नास दे लफ्ज़ ते तवज्जो लो
निकाले गए हो, आंदे गए हो इंसान की रहनुमाई वास्ते, पूरी जमीन के जितने इंसान हैं उन्हें सारे की रहनुमाई वास्ते तुहा को आंदा गए। बे मकाम ते इरशाद है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा। असा तो हकू बनाए कजाले के जालना कुम, असा तो हकू अल्लाह फरमेंदे असा तो हकू बनाए उम्मतन वसतन अफजल उम्मत, किस क्या करने तुसा शुहदा अलन नास, पूरे इंसान के सामने तुसा अल्लाह दे दीन दी गवाही देवनी है। वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुहाडे सामने गवाही दे रही है, रसूल तुहाडे सामने बयान कर रही है अल्लाह दा दीन, अल्लाह दी शरीयत, अल्लाह दे अहकाम, और तुसा पूरे इंसान के सामने बयान कर रहे। जालनाकुम असा तो बनाया ही वास्ते, जालनाकुम शुहदा अला उम्मतम वसता अफसल उम्मत बेहतरीन उम्मत, शुहदा अला नास ताकि इंसान के सामने तुसा अल्लाह का दीन बयान कर सको। ये दूजी आयत भी ही चीज़ का तकाजा कर रही है। सहाबा कराम भी ई मफहूम को समझते हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने बात चीज़ा ऐसा आया है वो भी ही बात की रहनुमाई करें। एक मौके पर आप मस्जिद तशरीफ फरमाए, एक आराबी देहाती गंवार जिनको मसायल का पता कोई ना है, वो आए मस्जिद के कोने पेशाब करने बह गए। सहाबे कराम जरा उठे ये रोको इनको, आपने उन्हें को फरमाया बह वालों रोको ना, जो पेशाब कर के दे आपने कुछ छे। उनका अपना तासर है कि माँ कहारानी वाला जारा बानी, मेरे को आपने डांटा नहीं ना ही मारे ने ना ही कोई सख्त कलामी फरमाइए ने, बड़े आराम नाल मेरे को समझाए ने कि भाई इन्ना हाजहल मसाजिद लम तुबना लिहाजा, ये मस्जिदा ई कम वास्ते नहीं कि इन्ने पेशाब किया वे, ये मस्जिदा अल्लाह की इबादत वास्ते हैं, अल्लाह के कुरान की तलावत वास्ते हैं, अल्लाह के जिक्र वास्ते हैं, इन्हें को पाक साफ सुथरा रखना चाहिए। एक काम तो ठीक नहीं किया, उनको तो ये समझाए ने कि जे सहाबे कराम उठना चाहते ना उनको रोकन वास्ते, उनको फरमाने इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सरीना वलम तुबअसु मुअस्सरीना। इन्हें लफ्ज़ ने तवज्जो करा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या मकाम देने पे, इन्नमा बुइस्तुम तुसा भेजे गए हो आसानी पैदा करने वास्ते, वलम तुबअसु नहीं तो आपको मुकर्रर किया गया मुश्किलात सटन वास्ते, तो आपको मुकर्रर ही वास्ते किया गया, तुसा ही वास्ते भेजे गए हो जमीन ते कि तुसा लोगों च आसानी पैदा करनी है। वलम तुबअसु नहीं भेजे गए तुसा मुअस्सरीना मुश्किलात पैदा करने वास्ते, ये मुश्किलात ना पैदा करो। इतना मनसब मालूम थी ना साहब कराम का क्या है, अल्लाह की तरफ मबऊस है नोवी मुकर्रर सहाबी आदे सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने फरमान है कि असहाब मुहम्मद बहुत गहरे इल्म वाले हैं, बड़े पुख्ता किरदार हैं, बड़े पुख्ता ईमान वाले हैं। अगे फरमाने क्यों इख्तारहुमुल्लाह लिसोहबते रसूलिही, अल्लाह ने उन्हें को चुनिया हा अपने रसूल की दोस्ती वास्ते, क्योंकि अल्लाह ने चुने हुए, अल्लाह ने इंसान भी चुनने का इंतखाब किए, इख्तारहुमुल्लाह अल्लाह ने इन्हें इख्तियार किए लिसोहबते रसूलिही अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती वास्ते। सहाबे किराम भी यह चीज़ समझते हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात, और फिर जो कुफार नाल मुकाबले थे उन्हें दे हवाले नाल भी असा ही हकीकत तक पहुँचते हैं। कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाए देख बे मकाम थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल हैं, उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचावने किवें पैगाम पहुँचावने उन्हें दा पैगाम सुनन वाले वल्लज़ीना मअहू जो उन्हें दी मईयत च आ गए जो उन्हें दे साथ च आ गए वो अशिद्दा वलल कुफार रुहमा व बैनहुम उन्हें दी सिफत है कि कुफार दे खिलाफ बड़े सख्त हैं जो अल्लाह दे बागी हैं कायनात दे मालिक दे बागी हैं उन्हें दे खिलाफ बड़े सख्त हैं मजबूत हैं रुहमा व बैनहुम आपस च मेहरबान हैं आपस च रहम दिल हैं और तराहम रुकअन सुज्जदा ए इंसान अगर तू उन्हें को देखें कि उन्हें दी अमली ज़िंदगी कैसी है जीवें देती कि वो जिहाद चन दुश्मन के खिलाफ मजबूत बन के तलवार चाह के मैदान जंग खड़े जिस वे तू फारे थी ना वल क्या करें तराहम रुकअन सुज्जदा तू उन्हें को देख से कोई रुकूज पे क्या कोई सजदे पे क्या जब कहूँ फजलम मिन अल्लाह व रिज़वाना वो अल्लाह दा फजल मंग रही है वो अल्लाह की रजा तलब कर रही है ये मकसद वास्ते हो अल्लाह रब कायनात के सामने सर बसूद हैं अल्लाह के सामने झुके हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्ची गाल है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं अजीम रसूल हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे आवाज जा रही है ठीक है चंद वाक्यात पर सामने आने ना इसी हकीकत का इजहार करें ना एक मौके पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मक्के दे लोगे ने साढ़े नाल शुरू की है जिस मुसालहत दे हवाले नाल अल्लाह रब्बे करीम ने सहाबे कराम को एक अजीम मकाम अता किया है सुलह हुदैबिया दे नाल नाल सुलह मशहूर है सहाबे कराम 1400 सहाबी हैं उस मौके ते तवाफ करना मकसूद है उमरे के हवाले नाल कुरैश ने रुकावट खड़ी कर दी थी जो ई वक्त तक कुरैशी मक्के के काबिज हैं जेडे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मन्ने हने उन्हें आख्या अस उमरा ना करन देसु हुदैबिया के मकाम ते आपने पड़ाव सट्टा उत्थां मुकालमा थिया फैसला थी गया कि अगले साल उमरा करेसु अगले साल आपने उमरा कर दिता बई शर्त है कि 10 साल तक जंग बंद है कुरैशी और मुसलमान आपस में जंग ना करे से इस सुलो की शर्त को कुरैश ने त्रोड़ दिता मुसलमान दे हलीफ एक कबीला है उन्हें दे बंदे ने कत्ल कर दिते वो आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस है या रसूल अल्लाह सारे बंदे कत्ल करे तिन कुरैश ने जबकि साड़ी और तुहाड़ी हिल्फ है लिहाजा उन्हें मुहदा त्रोड़ दीते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी अरब कबायल दे कानून और अल्लाह दे कानून के मुताबिक इन्हें बाकी मुहदा त्रोड़ दीते हुन सहाबे कराम को छड़ के फरमाए ने कि असा खामोशी नाल तैयारी करूँ और मक्के ते वंजे कब्जा कर लूँ ये सन 8 हिजरी की बात है वो मौके ते काफ़ी साहब कराम हैं उन्हें छेक सावी हातिब तशरी फरमाए उन्हें दे जहन ख्याल आए कि मैं ये मीटिंग की बात उन्हें तक पहुंचा रहा हूँ चुनाचो एक चिट्ठी लिखी है एक औरत के हवाले की तेस वो औरत चिट्ठी चाह के मक्के दो टोर पई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग गए कि चिट्ठी जा रही है कुरैश को आपने चिट्ठी पकड़वा दी चिट्ठी सामने आ गई सहाबे कराम की पूरी तंजीम जमीयत वल मौजूद है
आपने हातिब को फरमाया, हातिब ए क्या तैं साड़ी राज को और क्यों कीते, वादे सी जल्दी ना करो, मेरा उजर सुनो। मेरा उजर ए है कि मक्के च मेरे बच्चे और बच्चियां हैं, मैं उन्हें तक एहसान करना चाहना कि मेरे बच्चे का ख्याल करे सी। मैं एक इंसानी कमजोरी की बिना ते गलती कर बैठा, इस्लाम में मैं फिरया कहें, मेरा इस्लाम पुख्ता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है भाई, ये सच आखिरी है, असा इनको एक्शन नहीं सके, इन्हें कुछ नहीं आ गए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उठन आदन, या रसूल अल्लाह, इन्हें धोखा कीते, गद्दारी की थी, मैं को इजाज़त दो मैं कि गर्दन उड़े, इन्ना मुनाफिक है, मुनाफिक है, क्यों ये साड़ा राज आउट पे करेंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उमर तशरीफ गिनो, मैं बह गए। आपने फरमाया, तू नहीं जानता, लअल्लाह तआला इला अहले बदरिन, जेरे जड़े बदर की जंग थी यही, अल्लाह ने उन्हें की तरफ नज़र फरमाई और अल्लाह ने एक ऐलान किया है, एमलू माशे तुम फैनी कद गफर तो लखूँ, अज के बाद तुम जो मर्जी आवे अमल करो, मैं तो पेशगी माफ़ कर चुका। ये तो पेशगी गुनाह इन्हें माफ़ थी चुके, असा एक्शन नहीं गिन सकते, उजर इन्ना माकूल है, ठीक है, एक इंसानी कमजोरी के बिना तो गलती कर बैठे, लेकिन इनकी एक होता ही, अल्लाह पहले माफ़ कर चुके, एमलू माशे तुम फैनी कद गफर तो लखूँ। ओहद के मैदान कमजोरी आई है कुछ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाए कि फलां दर्रे के पंजा बंदा खड़ा रहे, जब तक मेरा हुक्म ना आवे तल्ले नहीं लहाना। मुसलमान की लड़ाई थी कुफार नाल, कुफार मैदान जंग छोड़ के भज गए, उत्ते खड़े हुए दर्रे के आखन लगे कि और फतह थी चुकी है, तले ला बन। उन्हें देख कमांडर ने आखे कि नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब तक मेरा हुक्म ना आवे तले नहीं लाना, लिहाजा सा तले नहीं ले सकते। 40 बंदा तले लह गए, उन्हें के फतह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है कि फतह थी मन तक तले ना लवाए, अपना क्यास कि तुमने रह सामने आंदोलन, लेकिन 10 आदमी और कमांडर वो खड़े रह गए, भजते दुश्मन ने डिठे कि दर्रा उतु खाली थी चुके, मुसलमान गनीमत के बाद समेटने बिखर चुके, उस उनकी नजम जड़ा ही जंग का सफबंदी वो खत्म थी चुकी है, यक नख्त हमला करूँ ताकि उन्हें नुकसान थी, चुनाचो वापस मुड़े और ने आके पहले तो उन्हें नाक शहीद किए, तीर तीर की बारिश कर दी है, उन्हें बाद वल तले आके जरा सामने आंदा गया वो शहीद करेंगे, 70 उजमा 70 पाक बाद शहीद थी गए। अल्लाह रब कहना बहुत बड़ा कसूर है, बहुत बड़ी गलती है, इनकी सजा मिल गई उन्हें भी। अल्लाह रब करीम ने कुरान मुकद्दस आयात नाज़िल फरमाया, सूरह आल इमरान पढ़ो, दो मकाम के अल्लाह ने फरमाए कि तुम्हारी एक कोताही मैं माफ़ कर चुका, अफा अनकुम, अल्लाह ने तुम्हारी एक कोताही माफ़ कर। ग़ज़वा खंदक उन मौके पर चारों तरफ दुश्मन ने घेरा कर दिया, मुसलमान को आके उन्होंने पाबंद करके दिया हर तरफ, मुसलमान दे एक तरफ पहाड़ आई, दूसरी तरफ पहाड़ आई, एक तरफ खाली उतर खंदक खट्टी बड़ी जाफिशानी ना, और दुश्मन को अंदर नहीं घुसने दिया, उन्हें जितनी मुहासरा रखा महीने के करीब करीब मुहासरा रिहा, लेकिन वो को पार ना कर सके खंदक को और लड़ाई ना थी सकी। एक रात अल्लाह रब्बे कायनात ने अंधेरी भेजी, जोर दी, वो अंधेरी भज गए, निकल गए मैदान छोड़ के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्ले डिठा के मैदान खाली है, आप घर तशरीफ गिन गए और हथियार उतरेंदे प्यान, जिब्रील अमीन आ गए, साहबी का बयान है, असा डिठे एक पासू धूड़ है जिमें को घोड़े तो फौज आमद हो गए ना, धूड़ उठी हुई है,
असें हैरान थी गए से भी ये क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील आंदा पे अपने लश्कर ना, वो इंसानी शक्ल बन के लश्कर आ गए हैं, उन्हें तो घोड़े भी हैं बाकायदा। जिब्रील से ही ने फरमाया या रसूलल्लाह तुस हथियार पे ले जाओ, अस हथियार नहीं लाए, ए इन्हें के पास चलो, इन्हें यहूदी ने जी गद्दारी की इन्हें कोई सजा लेनी है। उतों यहूदियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया, बनू कुरैज़ा, बनू नज़ीर, खैबर वाले, इन्हें सारे को शिकस्त दी। कौन आया? आसमान को फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते खालिस मोमिनीन वास्ते उतरते रहने या नौज़ बिल्ला मुनाफिकीन वास्ते भी फरिश्ते आते रहने, खालिस मोमिनीन वास्ते आते रहने। ए मलाइका दा तशरीफ गना होना और उन्हें दा जंग शिरकत करना, बद्र दी जंग च यो कुछ थिया, ओहद थोड़ी जी सजा मिली, उन्दे बाद वाल नतायज मुसलमानों के हक, और फिर गज़वा खंदक के बाद इन्हें यहूदियों की सड़कों भी फरिश्ते और मुसलमानों के जरिए कराई गई, और बिल आखिर मामला पहुँचा फतेह मक्का का। अल्लाह रब करीम ने सुलह हुदैबिया वाले वास्ते 1400 साहबी हैं, उन्हें 1400 साहबे किराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुम और अशरा मुबशरा सारे महाजरीन और अनसार की एक बड़ी तादाद, 1400 की तादाद उत मौजूद है। इन्हें सब के बारे च अल्लाह ने कुरान फरमाए रज़ियल्लाहु अन्हुम अनिल मोमिनीना इज़ युबायउनका तहत अश्शजरा, इन्हें ईमान वाले उत्ते अल्लाह राजी थी चुके जेड़े दरख्त तले बह के बैत पे करे हैं। इतने सरहते दे बाद अगर कोई बेईमान इन्हें जो निफाक का फतवा ले दे तो अपने ईमान की खैर मना दे। रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायउनका तहत अश्शजरा, दरख्त तले बह के जिन्हें पाक बाजे ने तुम्हारे हथ बैत की है, अल्लाह रब करीम उन्हें सारे उत्ते राजी थी चुके। सैयदना उस्मान बिच कहना है वो मक्के गए हैं सफीर बन के, सफारत सफीर बन के गए हैं मक्के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जौक ई बैत के हवाले ना उनका तकाजा ये है थिया कि उस्मान ई बैत को खारिज नहीं रहना चाहिए, चुनाचे अपना हाथ मुबारक उठाए ने और दूजे हाथ उत्ते मार के सहाबे किराम दे सामने फरमाते हैं गवाह रहो हाज ही जदो उस्मान, ए उस्मान दा हाथ है, उस्मान की तरफों मैं बैत पे करेंगे। रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीन युबायउनका तहत अश्शजरा, अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान उतारे कि ए रसूल ये हाथ तुहाड़ा है, इन्हें पाक बाज लोगों के हाथ हैं, तुहाड़े हाथ उत्ते यदुल्लाह फौकायदीहिम, इन्हें सारे ने हथे होते अल्लाह का हथ है। ये कुरान पाक दे अल्फाज हैं, जदुल्लाह फौक ए दी हैं, ये जितनी पाक बाज चौड़ा है ना इन्हें सारे ने हथ जल बैत कर रही हैं, यदुल्लाह है अल्लाह का हथ। अल्लाह का हथ याद रखे बेमिसल बेमिसाल है, असा मखलूक की तरह हथ नहीं होगा, उनकी शान उनकी जात के मुताबिक है, जिमें उनकी जात बेमिसल बेमिसाल है, उनका हथ भी बेमिसल बेमिसाल है, और डे थे अखियां होंदियां लेकिन अखी मखलूक की तरह नहीं, वह बेमिसल बेमिसाल है। अल्लाह रब करीम राजी थींदे मखलूक की तरह रजा उनका दिल च नहीं होंगी, वह अपनी शान के मुताबिक उनकी रजा है। अल्लाह की सिफत को बेमिसल बेमिसाल मनो, यदुल्लाह फौकायदीहिम तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बुलंद सब तू पूरी कायनात ऊंचा है, ओ अल्लाह जिंदे हथ च पूरी कायनात की बादशाही है। तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मक्का फतह थी गए, रब्बे कायनात ने तबसरा फरमाए कि जिन्हें लोगों ने फतह मक्का कनु पहले ईमान आ दे अल्लाह दे रास्ते च खर्च किते ने, अल्लाह दे रास्ते दे जिहाद किते ने, ए लोग और ओ लोग
जो फतेह मक्का के बाद ईमान घेना है, फतेह मक्का के बाद खर्च किए ने, फतेह मक्का के बाद किताल किए ने अल्लाह के रास्ते च, एडू तबके बन गए। एक फतेह मक्का को पहले वाले, एक फतेह मक्का को बाद वाले, दोहें के बारे च अल्लाह दे कुल्लम वादल्ला वो पहले अफजल हैं, दूजे दर्जे च, लेकिन कुल्लम वादल्ला हुस्ना दोहें नाल अल्लाह का वादा अच्छा ही है। पहले नाल भी अच्छा ही है, दूजे नाल भी अच्छा ही है। पहले में अस्साबिकून अल मुहाजिरीन सारे आ गए, और दूजे सैयदना अबू सुफियान, सैयदना मुआविया, सैयदना अमर बिन आस, ये तमाम वो जमा दूजे तबके च आ गए, उन्ने कनू दूजे दर्जे च, लेकिन रब्बे कहना दा वादा सारे नाल इक्को, कुल्लम वादल्लाह हुस्ना, ये कुरान मुकद्दस है। रब्बे कहना दे रसूल पाक ने फरमाए कि जिस शख्स ने मेरे हद ते बैत की, इस्लाम की हालत जिंदगी गुजारी, हिंद होते इस्लाम तो मौत आई, ला तमस्सो नार मन रानी वला मन रहा मन रानी वला मन रहा मन रहा हूं, खैर कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। तबसरा फरमाए ने कि जितनी अदवारी दुनिया च आए सब तो बेहतरीन दौर में रहे। आपका दौर कह रहे साहब कराम का दौर, खैर और कुरू ने खैर खैर उन्ना से उम्मत खैर उन्ना से करनी, सब इंसान तो बेहतर मेरा करने मेरा दौर, वह खैर उम्मत ही करनी और मेरी उम्मत क़यामत तक जो आसी उन्हें जो सब तो बेहतर मेरे करने वाले लोग हैं, मेरे दौर वाले लोग हैं। इन्हें फतेह मक्का को पहले भी आ गए, फतेह मक्का के बाद भी आ गए। इनकी दलील ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खिताब जेल फरमाए उन्दे चलाब का क्या इजहार है। आपने ऐलान किए कि मैं हज करने वास्ते आंदा पिया, तुसा सारे मेरे नाल चलो ताकि तुसा हज का तरीका सिख गिनो कि किवें हज करने। ऐलान नबूवत के बाद आपने सिर्फ एक हज किए, पहले का इलम नहीं किवें आप करें रही या नहीं करें। बहरहाल आपने जिस वेल ऐलान नबूवत किए उन्हें बाद एक हज किए ने पूरे सहाबे कराम के नाम, और एक शुमार एक एक लख 24,000 की तैदाद है जेडे फतेह जेडे हजतुल वदा के मौके पर आपके सामने हैं। वो मौके पर आपने ऐलान किए लाली ला अदरा कुंबा दामी हजा, लोगों इस साल के बाद मैं तो आपको कहना देख सक, लाली ला अदरा कू ला अर्रा कू, मैं तो आपको इस साल के बाद को ना देख सक, ऐलान गोया फरमा दिता मेरा आखिरी साल है तुम्हारे। इनके बाद आपने कुछ नसीहत फरमाए, उन्हें नसीहत का सब पता होना चाहिए क्योंकि एक बड़ा अज दुनिया की साड़ा वडेर अगर अल्लाह को वेंदा पे यकीन आ गया कि मैं अल्लाह को वेंदा पे हाँ, वसीयत करेंगे औलाद वास्ते, औलाद वसीयत कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगी है करना चाहिए। सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया तो वेंदे पे, आपने फरमाया वसीयत सुनो मेरे, सब तो पहली वसीयत फरमाई ने तरक फीकुम अमरैन लन तजिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, मैं तुहाडे दो चीज़ां छोड़ के जा रही हूँ। ये लफ्स छोड़न वाले जो तगौर करा है तरक तो फी कुम अमरैन, दो चीज़ा मैं छोड़ के तुहाडे जा रही हूँ, तुसा गुमराह ना थीसो बिल्कुल अगर तुसा उन्हें दो चीज़ों को काबू किया, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल ही, अल्लाह की अजीम किताब कुरान और रसूल पाक की सुन्नत आपका तरीका है जिंदगी, ये दो चीज़ा तुहाडे महफूज रासन कामत तक किवें महफूज रासन वो मैं अगू डसे ना तो आपू एक दूर वसीयत बयान सुना गिना ताकि अस उन्हें वसीयत पर अमल करूँ। आपने फरमाया सूद हराम है, सूदी कारोबार नहीं करना, आखिरी खिताब फरमा रही है उम्मत के 124,000 उजमा के सामने आप खिताब फरमा रही है कि रिबा कुल बचाए लाता कुल रिबा, सूद ना खवाए, और पहला सूद जो मैं माफ करे ना मेरे चचा अब्बास का सूद है, हेक बे को कतल ना करा है, खून रेजी ना करा है,
पहले जो खून थी चुके वो सब खत्म आइंदा कहीं खून की था बदला की दावे से वह अव्वल दमन अजहू पहला खून जो मैं माफ करना मेरे कबीले कुरैश का एक खून फलाने ने कबीले ने किया वो मैं माफ करना डू अहकाम सूद नहीं खावना कतल नहीं करना त्रीजी बात फरमाने इन्हें औरतें का ख्याल कराए नौजवानों ने सुनाए रसूल पाक की वसीयत औरतें का ख्याल कराए लहुन्ना मिसरुल्लती अलैन्ना इन्हें ने भी हुकूक हैं जिमें इन्हें जो हुकूक हैं अल्लाह ने इन्हें को तुम्हारी माताहती दिते तुम्हारे घर पाबंद किए अल्लाह ने अपने हुक्म के मुताबिक किए और अगर ना फरमान बना देगा तुम कुछ ना कर सकते हवे तुस अल्लाह के इनाम का शुक्र अदा करा है और इन्हें का खास ख्याल रखा है मेरी वसीयत है तो औरतें के हवाले ना इस तौसु मेरी वसीयत कबूल करो औरतें के हुकूक गसब नहीं करना बीवी का हक अम्मा का हक बहन का हक बेटी का हक गसब नहीं करना धी का हक विरासत का होंगे बहन का हक बिरावे को उनके माल और जायदाद का होंगे जो शरा ने उनका हक बनाए बीवी के हकूक बराबर की जोड़दार है जिंदगी के दो पहिए होंगे एक पहिया है तुरी बराबर दिए उनके हकूक का ख्याल कराए वरना क्यामत वाले जाने तुरे गरेबान पकड़ी खड़ा हो सी माँ ने नाफरमानी की गरेबान पकड़े सी धी के हकूक गसब कर गए है तो गरेबान पकड़े सी भेड़ ने माफ नहीं करना क्या मतलब जाड़े बीवी के हुकूक गसब किए थे माफ नहीं करना अलबत्त बीवी को वो हुक्म फरमाए ने अयो ममरातिन जेड़ी औरत सल्लत हम सहा पंज नमाजा पढ़ दिए सामत शह रहा महीना रमजान के रोजे रख दिए वह अतात बादहा अपने खामन की फरमाबरदारी करें दी न अल्लाह को मनने के बाद पंज नमाजा पढ़ दिए और पंज और रोजे रख दिए और अपने खामन की इताअत करें दिए और अगर मालदार है ज़कात अदा करें दिए फल तदखुल मिन अय्यत अबवाब अल-जन्नत शाअत बेश अठ दरवाजे जेड़े दरवाजे की मर्जी आवे बने उनको खुशखबरी मिली अल्लाह रब्बे करीम की तरफ भरा वो आखिरी बात मैं अर्ज करा इन्हें 1,424,000 फरिश्ते अपना साहब है किरा उन्हें को वो मनसब सपुर्द करें दे पे जेड़ा मनसब अल्लाह ने अपने रसूल के जिम्मे लाया है कि तुसा अल्लाह दे मखलूक दे सामने अल्लाह का दीन पहुँचावने फरमाने लोगों दसो मैं अल्लाह का दीन पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया बक आवाज आ दिन बल्लगता व अदयता व नसहता तुसा पहुँचा दीते अदा कर दीते अल्लाह का हक और तुसा सारी खैर खाई कर चुके असं इकरार करेंगे आपने हाथ उठाया आसमान तो अल्लाह हमेशा अल्लाह गवाह है मैं तेरा दीन एक एक लफ्स एक एक बात तेरी मैं मखलूक तक पहुंचा चुका ये 1,24,000 इंसान गवाह है नहीं चीज अल्लाह हमेशा अल्लाह हमेशा अल्लाह हमेशा अल्लाह तू गवाह है अगू फरमाते दोस्तों मैं तुम्हारे जिम्मे एक कम लेना अगर वो काबिल एतमाद हन तो कम जिम्मे लेते पहनना जेड़ा कम अल्लाह ने आपके जिम्मे लाया है दीन का इबलाग दीन का पहुँचावना वो कम आप उन्हें जिम्मे लेते पे बल्ले को अन्नी वालों आया मेरी एक एक बात मखलूक तक तुसा पहुँचाऊंगी एक एक बात एक एक आयत तुसा मेरी अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाऊंगी बल्ले को अन्नी वालों आया चुनाचे साहबे किराम ने आप दे एक एक बात को पहुँचाए कुरान मुकद्दस को जो मुख्तलिफ चीज़ें दे लिखा हुआ एक जा लिखे ने मखलूक तक पहुँचाने आज तुहाड़े कोल मौजूद है सहाबे किराम पूरी इस्लामी रियासत फैल गए मदीने च बहाना घर रन उन्हें दे मक्के च घर रन अफजल ही उन्हें दे वास्ते लेकिन तुसा 150 सहाबे किराम मदीने च नहीं रही है मक्के च नहीं रही है कोई कूफे च वेंदा पे कोई शाम च वेंदा पे कोई रह की तरफ वेंदा पे कोई बुखारा की तरह वेंदा पे कोई मिस्र तो वेंदा पे कोई यूरोप के कुस्तुनतुनिया तो वेंदा पे
कोई कहीं पासे कोई कहीं पासे क्यों ही हुक्म की तामील वास्ते बल्ले को अन्नी वाला आया कि अल्लाह ने मखलूक है सारी जमीन ते असा फैलने अल्लाह का जिहाद करने और अल्लाह का दीन पहुंचावने कोई शहीद पे थींदे किरमान की तरफ बलोचिस्तान के इलाके कोई शहीद थींदे बिन इराक कोई शहीद थींदे बिन बुखारा के अतराफ कोई शहीद थींदे बिन कुस्तुनतुनिया के दरवाजे के गुस्से जनाब अयूब अंसारी जिमें कोई शहीद थींदे बिन मिस्र अमर बिन अलास जिमें कोई शहीद थींदे बिन और अल्लाह के कोल पहुंचदे बिन शाम बह के जिमें सैयदना माविया और दूजे लोग ये पाक बाज लोग हैं पूरी दुनिया पूरी इस्लामी रियासत फैल चुके हैं किस वास्ते ताकि अल्लाह का दीन मखलूक तक पहुँचाया वे बल्ले हू अन्नी वल आया जो अमल है वरना मदीने च रहना उन्हें वास्ते क्या मुश्किल है मक्के से टिक वा उन्हें वास्ते क्या मुश्किल है अगर तो कोई इख्तियार मिल वे कि मदीने च रहायश है खावना पीवना खूब है मकान भी है सब कुछ है तुसा रासो इतना तुसा इंतखाब करे तो मदीने च रहो मक्का मुकरमा च रहो लेकिन वो पाकबाज इन अहमियत को समझते हैं इनके बावजूद पूरी दुनिया फैले क्यों बल्ले भला आया इनकी तामील करने वास्ते याद रखो कहीं सहाबी जै अल्लाह के रसूल के हाथ बैत की आप दी आपने उनकी बैत कबूल फरमाई है उन्हें बारे जरा जहन मैल रखना अपने आप को बेईमान बना चाहे वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आला मेयार दे चाहे वह सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने मेयार दे चाहे सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु मेयार दे सहाबी सहाबी है वो बड़े लोग हैं वो पाकबाज लोग हैं बाकी मुशाजरात साहबा बाद चीज़ें इख्तलाफ पैदा थे जिनकी बिना इतफाकन लड़ाई भी थी गई है एक बिया मौजू है मैं इंशाल्लाह कहीं बे वेले तुम्हारे सामने अर्ज करे सूंदे जिन्हें उजमा का कोई कसूर कह नहीं नंबे लोग फसादी बच आ गए हुने दे शरारत हुने दी बिना तो सारा कुछ ही हा साहब किराम सैयदना माविया होवन सैयदना हसन होवन सैयदना हुसैन होवन सैयदना अली होवन एक तमाम पाकबाद लोग मुअर्रम साफ इन अल्लाह दे पहुंचे हुए बिलखसूस सैयदना माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल ने उन्हें जिम्मे लाए कुरान पाक दी वाहिद की किताब आपने उन्हें दे वास्ते दुआ की अल्लाहुम्मा अजल हादिया महदिया अल्लाह को रहनुमा बना और हिदायत दिता है बना और सहाबी होवन की हैसियत उन्होंने अजीम मकाम है फतेह मक्का दे मौके दे सलाम कबूल के हवाले नाल कुल्लम वाद अल्लाह और हुस्ना दा उनको खुशखबरी हर एक को अल्लाह ने वादे अच्छाई का वादा किया उन्हें नाल अल्लाह रब करीम को दुआ करो अल्लाह कमल हाकमिन सकूँ सीधे रस्ते दे चलने की तौफीक दे सहाबे किराम के हवाले नाल सारे दिल में मोहब्बत पैदा करे पूरी जिंदगी मोहब्बत से गुजरे और मौत मोहब्बत से आवे वमा अलैया इल्ला बलाग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار साथियों मुख्तसर वो लफ्ज़ी दुआएँ याद कर गिनो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़ीक़ि दुनिया व ज़ीक़ि यौमिल क़ियामा अल्लाह साको बचाओ दुनिया की तंगियाँ करो और आखरत की तंगी करो क़ियामत की तंगी करो एडू तंगियाँ बड़ा मुसीबत है बीमारी की तंगी कर्जे की तंगी मुश्किल की तंगी और जिंदगी के मामला की पेचीदगियाँ इन्हें करो बचा अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़ीक़ि दुनिया व ज़ीक़ि अल-मक़ामि यौमिल क़ियामा या ज़ीक़ि यौमिल क़ियामा दो इतना लफ्जा ने क़ियामत दीन की तंगी को बचाओ ए तो आपको अरबी लफ्ज़ याद है ता ठीक है अगर अपनी जुबान च मांग छोड़ो अल्लाह सारा जुबान जानते अल्लाह साको दुनिया की तंगी और आखरत की तंगी को बचाओ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद
कमा बारक तआला इब्राहिम वअला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद।